गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छा है, अच्छा। चलो तो आज हम लोगों का नया एएस हम लोग करेंगे, दैट इज एएस 12, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्रुप वन का है ये। लास्ट डे हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम आई गेस फिनिश किया क्लास में, ठीक है? हाँ, वो एक होमवर्क वी विल डू आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, उसका अलग से अपने कर लेंगे उसको, ठीक है? और आप लोग बाकी लोग कौन कौन होमवर्क नहीं करके हाथ खड़ा करो, स्टैंड अप दोज हु हैवंट डन द होमवर्क। मैं लाइव जो बच्चे बैठे हैं उनकी खबर ले रहा हूँ, आप लोग कृपया करके 2 मिनट वेट करें। हाँ भाई, हाँ, टाइम नहीं मिला, ऐसा क्या करते हो घर पे? मतलब हमको जानना है कि मतलब ऐसा ऐसा क्या करते हैं आप लोग घर में कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है? स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह रहिए। मैं टीचर हूँ, अगर मैं ये बोलूँ मेरे को पढ़ाने का टाइम नहीं मिला तो चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस, वी आर शेयरिंग ए स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। सबको दोनों का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना चाहिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच यू एंड प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट एंड वर्स्ट सिनेरियो एज वेल। जो मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, पढ़ेंगे, राइट? तो कल को अगर मैं ये बोलूं कि बेटा आज मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, चलेगा? बोलिए, यू कैन ट्वीट अस योर आंसर्स, दोज आर वॉचिंग वीडियोज, चलेगा? नहीं चलेगा ना? सो सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना चाहिए। आज मेरे को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, तो अपने को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट नहीं करना। बेटा मौज करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, एंटायर लाइफ इज देयर, यू कैन एन्जॉय वंस यू बिकम अ मैन, अ सक्सेसफुल मैन, राइट? आइए, सो लेट अस स्टार्ट। आप लोगों को दिख रही है, मैं आपको ये चैप्टर एकदम शॉर्ट में, सिंपल में बताऊंगा, राइट? एंड जो भी रेलिवेंट पार्ट्स है दैट वी विल कवर। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस, और गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दिया है, मतलब असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट हमको कोई असिस्टेंस देता है, सेंट्रल, स्टेट और एनी गवर्नमेंट बॉडी, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, व्हाटएवर, असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर इट्स नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल, से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट अगर हमको कोई भी असिस्टेंस देता है, वेदर इन कैश और काइंड, विथ और विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस अटैच टू द ग्रांट। एकदम क्लियर है, मैंने आपको बहुत सारा चीज बता दिया इसी में। तो बेसिकली इट्स एन असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, वेदर इन कैश और काइंड, विद और विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस अटैच टू द ग्रांट। बहुत सारा गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देता है हम लोगों को, उसमें कोई कंडीशन अटैच कर देगा, बोलेगा कि आपको मैं ये ग्रांट दूंगा अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो आपको मैं ये ग्रांट दे दिया, आप ये कंडीशन फुलफिल करिए। जैसे आपने नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, जो डोनेशंस रिसीव करती है कोई भी संस्था, सबसे फॉर एग्जांपल द डोनेशन हैज बीन गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आपको आपके लिए में कंडीशन अटैच कर दिया गया कि आप इस पैसे को बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करेंगे। सो देयर कैन बी कंडीशंस, देयर मे नॉट बी एनी कंडीशन, राइट? सो बेसिकली एएस 12 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इट्स एन असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वेदर इन कैश और काइंड, और विद और विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस अटैच टू द ग्रांट। नाउ फॉर एग्जाम्पल,
गवर्नमेंट हमको कोई सब्सिडी देगी या कोई कैश इंसेंटिव मिलेगा हमको, या ड्यूटी हमारा टैक्सेस, ड्यूटी ड्रॉबैक्स कस्टम्स के केस में एक्सेट्रा, मतलब असिस्टेंस कोई भी रूप में हो सकता है, उसका 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 रूप, उसकी सुंदरता कैसी भी हो सकती है, बट गवर्नमेंट दिया है हमको असिस्टेंस। तो ये जो भी हमको मिला है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच ग्रांट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इज दैट फाइन? नाउ सरकार हमको किस टाइप का मदद करेगी? सपोज से फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है या कोई अंडर डेवलप्ड एरिया है, सरकार बोलेगी आप अपने यहाँ पे फैक्ट्री बनाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, मैं आपको, आपका प्लांट कॉस्ट कितना है? 200 करोड़, इसका 80 करोड़ मैं आपको देता हूँ, राइट? मतलब ये नॉर्मल जो जनता को जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिलती है उस चीज का बात नहीं हो रहा है यहां पे, असिस्टेंस होता है, स्पेशल असिस्टेंस आप ही को दिया गया एक्सक्लूसिवली। तो मैंने जो बोला ना कि ग्रांट कैन बी इन कैश और काइंड, सरकार आपको कोई जमीन दे देगी, बोलेगी आप अपने यहां पे फैक्ट्री बनाइए, यहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, राइट? या आपको मान लो बहुत सारा लॉसेस हो गया है तो सरकार ने आपको असिस्टेंस, जैसे बैंकिंग कंपनीज, कोई बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज अगर डूब जाती है तो सरकार पीछे से, आरबीआई इटसेल्फ एक्ट एज ए गारंटर, वहां पे गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करती है। सो गवर्नमेंट के तरफ से हेल्प, इट कैन बी ड्यू टू इफ यू वॉन्ट टू सेट अप अ न्यू बिजनेस, और आपको पास्ट में बहुत ज्यादा लॉसेस हो गया है तो आपने पढ़ा है लॉसेस को रिकवर करने के लिए अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है या बिजनेस लिक्विडेट कर देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट आती नहीं, चलो दिस इज अ एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर कंट्री, सो डोंट शट इट डाउन, आई एम गिविंग यू दिस मच ग्रांट टू कवर अप योर पास्ट लॉसेस, और आपका ये जो खर्चा है इसके लिए मैं आपको ग्रांट देता हूँ। कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, पास्ट ईयर लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए भी देती है, कोई कहीं पे आपको कोई जमीन खरीदना, जमीन दे देती, कई बार तो सरकार खुद आपको दे देती है, लो मेरा जमीन पे फैक्ट्री बना लो, मेरे जमीन पे बिजनेस सेटअप कर लो, राइट? स्कूल कॉलेजेस के लिए सरकार ने अपनी जमीन दे दी, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, इट्स एन असिस्टेंस गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट, वेदर इन कैश और इन काइंड, विद और विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। सब्सिडी हो गया, कैश इंसेंटिव हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया। तो अपने को इस चैप्टर में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने का है। क्या सीखने का इस चैप्टर में अपने को? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने का है। ठीक है, अच्छा आइए, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट जो अपना इंट्रोडक्शन का पॉइंट था। पॉइंट नंबर टू, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट
दो अप्रोच में किया जाता है। एक हो गया कैपिटल अप्रोच और एक हो गया इनकम अप्रोच। कहने का मतलब है, अगर आपको कोई ग्रांट मिलता है, से फॉर एग्जांपल सरकार ने मेरे को एक जमीन दे दी, तो इट्स इन द नेचर ऑफ कैपिटल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ग्रांट जो मिला है उसको आप कौन सा अप्रोच से अकाउंटिंग करना चाहते हैं। अगर आप कैपिटल अप्रोच से अकाउंटिंग करेंगे, ग्रांट रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। यहां पे ग्रांट रिसीव्ड इज टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर वन और मोर पीरियड। तो जब भी अपने अकाउंटिंग करेंगे तो अपने देखेंगे ग्रांट का दो अप्रोच से अकाउंटिंग किया जा सकता है। राइट जैसे यहां पर है फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे सपोज मान लो मेरा बिजनेस सेटअप करने के लिए 200 करोड़ चाहिए, तो सरकार ने 40 करोड़ दे दिया, तो ये वाला टाइप का ग्रांट को अपने शेयर होल्डर फंड का पार्ट मानेंगे। इस टाइप का ग्रांट को अपने पीएल में नहीं डालेंगे। आज एक चीज सोचो, अगर मेरे को मान लो 100 करोड़ का ग्रांट मिलता है, आपने क्या बोला, क्रेडिट टू शेयर होल्डर फंड, आप इसको शेयर होल्डर फंड का पार्ट मानते हैं। मैं ये बोलता हूं सपोज मेरे को 100 करोड़ का ग्रांट मिला, मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया थोड़ा थोड़ा करके, से फॉर एग्जांपल 4 साल में 25 करोड़ इन ईच ईयर, 25 करोड़ 25 CR इन ईच ईयर, तो अल्टीमेटली तो ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट ही बनेगा। तो आज आप इसको अगर कैपिटल अप्रोच मानते हैं, चाहे आप इसको इनकम अप्रोच मानिए, आज नहीं तो कल तो वो शेयर होल्डर फंड में आएगा ही। जैसे डेप्रिसिएशन है, पूरा एक बार में पीएल में दिखा दो चाहे तोड़ तोड़ के दिखाओ, बात तो एक ही है। तो बहुत सारा क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है। 200 करोड़ का 40% ले लो भाई, आप तुमको जो करना है करो, और कोई रिपेमेंट वगैरह नहीं एक्सपेक्टेड है। इस टाइप का ग्रांट को बोला जाता है कैपिटल ग्रांट, और वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट माना जाएगा। इनकम अप्रोच में जो भी ग्रांट आपको मिला है, आप उसको थोड़ा 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 करके पीएल में डालेंगे, अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर फंड में जाएगा। बेसिकली यहां पे
कहीं ना कहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट साथ दे रहा है। मान लो आज हमको ग्रांट मिला और वो ग्रांट को हमने पूरा का पूरा डायरेक्टली अपने उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया, पीएल में इनकम आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है। आज हम लोग जो कमा रहे हैं वो इस ग्रांट के वजह से कमा रहे हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैच करके दिखाओ। तो इनकम अप्रोच में कहीं ना कहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, इसलिए ग्रांट को, इस ग्रांट से हम इतना साल कमा पा रहे हैं, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करके इसको इनकम दिखाएंगे। इज दैट फाइन? अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग दो तरीके से किया जाता है, एक है आपका बोलो कैपिटल अप्रोच, एक है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में पूरा का पूरा शेयर होल्डर फंड में डाल देते हैं, इनकम अप्रोच में वन और मोर पीरियड में उसको पीएल में स्प्रेड करते हैं एंड देन वी एड इट टू शेयर होल्डर फंड। इज दैट फाइन? नेक्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड, बुक्स में हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वो रीजनेबल सर्टेन हो जाए कि ग्रांट अपने को मिलेगा। दूसरा, कंडीशंस रिलेटेड टू ग्रांट विल बी इज फुलफिल्ड और विल बी फुलफिल्ड, तभी जाके अपने ग्रांट को बुक्स में दिखाएंगे। इज दैट फाइन? आइए, व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट entity will comply with the conditions attached to the grant, and number two, the grant will be received. Is that fine? मान लो आपको ग्रांट मिल गया है, तो मियर रिसीप्ट ऑफ ग्रांट डज नॉट गारंटी दैट conditions attached टू द ग्रांट इज fulfilled. अगर आप फुलफिल नहीं करें तो सरकार आपसे वापस रिफंड भी मांग सकते, तो इन दैट केस यू कैनॉट रिकॉग्नाइज द ग्रांट. नोट, मियर रिसीप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट conditions is that fine?
इज दैट फाइन? बोलो, ग्रांट मिल गया मतलब ये नहीं कि कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया कि आप करेंगे, नहीं किया तो वापस रिफंड ले लेगी सरकार। तो सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत जरूरी है बेटा, ये मेन पार्ट है, बाकी तो एकदम इजी है। सर ग्रांट मतलब असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट वेदर इन कैश और काइंड विथ और विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को सीखना है। दो टाइप का ग्रांट का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है कैपिटल अप्रोच, एक होता है इनकम अप्रोच। अगर आप कैपिटल अप्रोच फॉलो करते तो मतलब आप पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड मान रहे हैं। इफ यू ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड देन इन दैट केस यू कैन नॉट डू मैचिंग, जो ग्रांट मिला एंड उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस का मैचिंग नहीं कर पाएंगे, वही मैं आपको यहां पे समझा रहा था। और इनकम अप्रोच में यू कैन डू मैचिंग, कुछ भी करो अल्टीमेटली ये शेयर होल्डर फंड में ही आएगा। फर्क यही है, यहां पे 100% आ जा रहा है, यहां पे 20 20 20 20, राइट? और ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करना है? जब आप उसका कंडीशंस अटैच टू द ग्रांट फुलफिल कर चुके हैं या करेंगे और ग्रांट मिलेगा। खाली मिल गया मतलब ये नहीं कि कंडीशन नंबर वन इज फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। आइए अब अपने बात करते हैं अलग अलग टाइप का ग्रांट का। सबसे पहले अपने बात करेंगे नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स का। किसका बारे करेंगे अपने? नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स। कई बार क्या होता है, ग्रांट्स आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स सच एज लैंड प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सरकार आपसे एक निया पैसा नहीं ले रही है। ग्रांट्स आपको रिसीव हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स सच एज लैंड प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सरकार आपसे कुछ भी नहीं मांग रही है। देन such assets should be entered in the books at nominal value say ₹100। क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए आप लोग। आइए, के लिमिटेड रिसीव्ड एन एरिया ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट।
तो नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, द कंपनी आर्ग्यूज दैट नो मनी हैज बीन स्पेंट ऑन इट्स एक्विजिशन एंड लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। कोई पैसा खर्चा नहीं किया इसका मतलब आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसीलिए तो बोला गया ना फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपने कोई भी चीज खरीदा तो यू शुड रिकॉर्ड इट एट नॉमिनल वैल्यू, यस और नो? तो लिखिए नॉन मॉनिटरी एसेट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एट फ्री ऑफ कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू दैट इज रुपीज 100 वेदर इट इज डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस एसेट का कम से कम ब्लॉक में तो है ना। जैसे इनकम टैक्स में बहुत जन पीजीबीपी किया होगा, तो अगर आप उसको उसको उसका अस्तित्व दिखाने के लिए आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल पर्पस, द एग्जैक्ट वर्ड इज फॉर देयरफॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सर? लैंड अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल अप्रोच बोला ना मैंने आपको, शेयर होल्डर फंड का पार्ट माना जाएगा। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जस्ट इसका अस्तित्व दिखाने के लिए फिजिकली ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में। ठीक है, अच्छा अगर ग्रांट मिला है, ग्रांट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, बेसिकली डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में बात हो रहा है यहां पे। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल मेरा एसेट है 50 लाख का और मेरे को सरकार ने 20 लाख रुपए ग्रांट दिया है, तो जब भी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड अगर ग्रांट मिलेगा तो एक है हमारा कॉस्ट रिडक्शन मेथड और एक है डेफर्ड इनकम मेथड। यहां पे ग्रांट रिसीव्ड इज
reduced from the cost of the asset. यहां पर ग्रांट रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम. अच्छा, यहां पे अपने ना इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. ये कैपिटल अप्रोच नहीं है, यहां पे मैचिंग करना है ना. तो यहां पे जो भी ग्रांट अपने को मिला है, जैसे लैंड अगर वगैरह मिलता है, तो इसमें अपने कैपिटल अप्रोच फॉलो करते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता है, ना कोई डेप्रिसिएशन जाता है, राइट. सो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो अपने क्या फॉलो करेंगे, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो अपने क्या फॉलो करेंगे, कैपिटल अप्रोच, राइट. कैपिटल अप्रोच में क्या होता है, डायरेक्टली नॉमिनल वैल्यू पे ही है, उसे क्या फर्क पड़ता है. तो सर यहां पे आप इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम अप्रोच में आप ग्रांट जो भी मिलता है आपको, उसको आपको पीएल में डालना चाहिए. इधर में क्या होगा, ग्रांट इज इनडायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ reduced charge of depreciation to PL. आज मान लो एसेट का दाम 50 लाख है, आपने 20 लाख रुपया ग्रांट मिला है, तो अब एसेट का नेट बुक वैल्यू क्या हो गया, 30 लाख. तो अब 30 लाख को डिवाइड बाय लाइफ करेंगे तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से रिड्यूस हो गया. यहां पर ग्रांट रिसीव्ड रिकॉग्नाइज्ड इन ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस over the useful life of the asset. And in the ratio of डेप्रिसिएशन चार्ज. मैं सब समझाऊंगा आपको, एक सम कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. हाय ना, इज दैट फाइन, सबको समझ में आ रहा है.
आइए एग्जाम्पल, परचेस्ड प्लांट फॉर रुपीस 50 लाख, एंड ग्रांट रिसीव्ड 20 लैक्स, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, SLM. मेथड वन कॉस्ट रिडक्शन मेथड से करके दिखाता हूं. टी इज इक्वल्स टू 0, मैं ईयर वन का करके दिखाऊंगा. सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्लांट अकाउंट पचास लाख का खरीदा एसेट, ग्रांट मिला है 20 लाख का, तो मेथड क्या बोलता है, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो अगला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, पहले तो हमने प्लांट खरीदा है ना, बींग एसेट परचेज, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अरे बच्चे की जान लेंगे क्या अब? हाँ हाँ मेरे को पता है, प्लांट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो प्लांट इज कमिंग इन सो इट विल बी डेबिटेड. चिराग मेरे को पता है बैंक आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट सब पता है मेरे को. अब आ जाएं, अब पहला मेथड बोलता है कि कॉस्ट से रिड्यूस कर दो, मतलब जो आपको 20 लाख रुपया जो मिला है उससे आप अपनी प्लांट की वैल्यू कम कर दीजिए. सरकार से 20 लाख मिला ना भाई, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू प्लांट अकाउंट. अरे अब एसेट का दाम हो गया नेट बुक वैल्यू इज 30 लाख, आया ना 30 लाख बाई 5 करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा,
6 लाख रुपया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 6, 6। आज अगर ये ग्रांट नहीं मिला होता तो प्लांट का वैल्यू क्या होता, 50 लाख, 50 बाई 5 करते तो 10 लाख डेप्रिसिएशन आता। मतलब आपका पीएल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ग्रांट भी क्रेडिट हो गया। ग्रांट के कारण आप पीएल में खर्चा कम डाल रहे हैं। अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 6 लाख, 6 लाख। यह है पहला मेथड, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन मेथड। अब अगर अपन पीएल बनाते हैं वाई वन का, यहां पे टू डेप्रिसिएशन आवेगा 6 लाख, और अगर अपन बैलेंस शीट बनावे तो प्लांट माना जाएगा 30, ग्रांट लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन 6, तो ये आएगा 24 ईयर टू में डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट 6 लाख, 6 लाख। Is that fine? अब हम लोग करेंगे मेथड टू डेफर्ड इनकम मेथड। राइट, सबसे पहला प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक
डेफर्ड इनकम है 20 लाख, लिखा है इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। तो लिखेंगे जी जी डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम अकाउंट का नाम है। नंबर थ्री, पचास बाय पांच, डन। जी जी पीएल में ले लेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। Is that fine? PLY1 10 lakh by deferred income का 4, तो net में 6 आ गया ना, बैलेंस शीट में प्लांट 50 लेस डेप्रिसिएशन 10 आया 40, और डेफर्ड इनकम का बैलेंस 16 लाख लाइबिलिटी साइड में। रिपीट एंट्री 3 कॉमा 4 एंड 5।
इज दैट फाइन? तो अल्टीमेटली दोनों में पोजीशन वही है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क है. बोथ आर इनकम अप्रोच. इसमें बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन पीएल में जा रहा है और इसमें डायरेक्टली पीएल में जा रहा है. जल्दी करो बेटा. सही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू देखिए. राम लिमिटेड ने मशीनरी खरीदा है 1 करोड़ का. स्टेट गवर्नमेंट ने 40 लाख का सब्सिडी दिया है. कंपनी ने सब्सिडी रिसीव को पीएल में क्रेडिट कर दिया. गलत है. आप डायरेक्टली डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आप डायरेक्टली पीएल में नहीं ले सकते, आपको दो लेना पड़ेगा. या तो आप कॉस्ट ऑफ द एसेट को रिड्यूस कर दीजिए, या आप डेफर्ड इनकम में डालिए और धीरे धीरे करके उसको फिर पीएल में ले जाइए. तो इट शुड बी accounted for either by या तो कॉस्ट रिडक्शन मेथड या डेफर्ड इनकम मेथड. क्वेश्चन थ्री देखिए. हरिभक्ति ने फिक्स्ड एसेट खरीदा 100 लाख में, ऑन विच इट रिसीव ग्रांट ऑफ 10 लाख. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर AS 12 एंड हाउ इट शुड बी डिस्क्लोज्ड. अगर कॉस्ट रिडक्शन मेथड है तो 100 लाख में से 10 लाख माइनस हो जाएगा, 90 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट. और अगर डेफर्ड इनकम है तो 100 लाख ही रहेगा और 10 लाख जो डेफर्ड इनकम में डाला उसको ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट अपने पीएल में क्रेडिट ले लेंगे उसका. ओरल है बेटा, इसको नहीं कराएंगे. ठीक है. क्वेश्चन फोर. हमने एक फैक्ट्री सेटअप किया बैकवर्ड एरिया में, प्लांट खरीदा 500 लाख में. इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 10 लाख का, ये तो नॉर्मल है. तो नेट कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 490 और गवर्नमेंट ग्रांट देगा फिर 20% सब्सिडी दे रहा है. तो डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब कॉस्ट रिडक्शन मेथड के हिसाब से.
लेस नेट कॉस्ट 490 आ रहा है, कोई भी इनपुट का अगर क्रेडिट मिलता है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में तो वैसे ही नहीं आता है वो। थ्री नाइन्टी टू पे डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग होमवर्क करके आएंगे। इज दैट फाइन? क्वेश्चन नंबर 5 विल बी होमवर्क, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, टेक केयर।